नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। 3 फरवरी दिन बुधवार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं प्रिया तायल। आज के मुख्य समाचार। बिहार सरकार ने जारी किया नया फरमान, विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर क्राइम किया तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। रुपेश सिंह मर्डर केस में पटना पुलिस ने किया खुलासा, रोड रेज में हुई थी हत्या। झारखंड में मिला 15 ऊंटों से लदा ट्रक, तस्करी और घूस लेने के आरोप में 9 लोग हुए गिरफ्तार। बिहार सरकार लड़कियों को देगी 12वीं पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये। नौकरी को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में पुलिस द्वारा जारी एक फरमान राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो उसे सरकारी नौकरी या ठेके नहीं दिए जाएंगे। बिहार पुलिस महानिदेशक की तरफ से जारी इस लेटर के सामने आने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या का बिहार पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो रोडरेज की वजह से रुपेश की हत्या हुई थी। नवंबर में पटना स्थित LJP कार्यालय के पास रोडरेज की घटना हुई थी। इससे नाराज युवकों ने रुपेश की हत्या कर दी। SIT ने ऋतुराज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋतुराज ने कहा कि रुपेश कुमार सिंह के साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसके बाद रुपेश ने मुझे 29 नवंबर को बहुत पीटा था, जिससे मैं बहुत गुस्से में था और उसे मार डाला। मैं लगभग 1.5 महीने से रुपेश सिंह को मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने रुपेश कुमार सिंह को मार दिया। मैंने रुपेश पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी। झारखंड के पाकुड़ जिले में वन विभाग की टीम ने ऊंट की तस्करी में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग ने ट्रक में लदे 15 ऊंटों को भी जब्त किया है। रेंजर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिला मुख्यालय के गोकुलपुर स्थित वन चेक नाका के पास एक ट्रक को रोका गया था और जब इसकी जाँच की गई तो उसमें 15 ऊंट लदे हुए पाए गए। उन्होंने बताया कि जब कागजात की मांग की गई तो वह नहीं दिखा पाए, जिसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे ने नीतीश कुमार से युवा वोटरों के बड़े वर्ग को झटक दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार उन्हीं युवा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट के एक फैसले पर मोहर लगाई है, जिसमें इंटर पास करने पर अविवाहित कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए 25,000 रुपये और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के सवाल पर दुमका में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि साल 2021 राज्य के लिए नियुक्तियों का साल होगा। नियुक्तियों की प्रतिक्रिया जारी है। झारखंड के नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरी दी जाएगी। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित होगी। इसके लिए कानून बनाने की तैयारी हो रही है। साथ ही CM ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के बच्चों को सरकारी नौकरी सीधे दी जाएगी। इसके लिए भी नियमावली बनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।